हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर्किटेक्ट अनिता करकोदी और आज मैं बात कर रही हूँ कि किसी भी इंटीरियर को किस तरह से लो बजट में इंस्टेंटली खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर आप भी अपने घर को बहुत जल्दी से और लो बजट में खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कुशन्स बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ये किसी भी इंटीरियर को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। कुशन्स को एक कॉस्ट इफेक्टिव एसेसरी माना जाता है जो कि आपके घर को सीजनल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से अपडेट करने में आपकी मदद कर सकती है। एक टाइम था जब कुशन्स को वेल्दी और शाही घरानों के लिए ही सीमित माना जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो ये डेली यूज की लग्जरी बन गई है। अगर कुशन्स को स्टाइलिश तरीके से मिक्स एंड मैच करके यूज किया जाए तो ये आपके घर को ना सिर्फ एक अमेजिंग लुक प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करते हैं बल्कि इनवाइटिंग और कोजी भी बनाते हैं। अच्छी क्वालिटी के कुशन्स में इन्वेस्ट कीजिए जिसे सीजन के अकॉर्डिंग और फेस्टिवल्स के अनुसार आप अपने कुशन्स कवर्स को ही बदलकर घर को एक अलग तरह का लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अगर कुशन्स रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में तो कुशन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खरीद ली जाती है और ये आपके सोफा से नीचे गिरते रहते हैं, ओवर स्टाइलिंग हो जाती है। और अगर आप एक्सपेंसिव कुशन्स को चूज करते हैं तो बजट का ध्यान रखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि मिनिमम आप क्वेश्चंस ही अपने लिए लेके आए। तो इस तरह से एक ये भी रहता है कि ओवर स्टाइलिंग भी ना हो जाए और कितनी क्वांटिटी बेस्ट सुटेबल रहेगी आपके किसी सोफा के लिए, बेड के लिए, ये सभी देखना बहुत जरूरी है। मार्केट में क्वेश्चंस के पैटर्न, साइज, डिजाइन और टेक्सचर की बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है। इन्हें केयरफुली चूज करना चाहिए ताकि ये आपके लाउंज, ड्राइंग रूम, बेडरूम या फिर आउटडोर सिटिंग, जहाँ भी आप इन्हें यूज करना चाहते हैं वहाँ बेस्ट सुटेबल तरीके से ये आप इनको यूज कर पाए और ये आपके इंटीरियर को एनहेंस करने में आपकी मदद करें। कुशन्स को स्टाइल करने के क्या तरीके हो सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम ओवर स्टाइलिंग भी ना करें और ताकि स्टाइलिश तरीके से मिक्स एंड मैच भी कर पाए, तो इन टिप्स को जानने के लिए देखते रहिए हमारी आज की ये वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको हमारी सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं कुशन्स को स्टाइलिश तरीके से किस तरह से अपने घर में यूज किया जाए, इसके लिए मैं लेके आई हूँ कुछ बहुत ही आसान टिप्स। कुशन्स को खरीदते वक्त ध्यान रखें कि आपके एग्जिस्टिंग डेकोर के साथ में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करते हुए ही आप कुशन्स खरीदें। अगर आपकी कलर स्कीम न्यूट्रल है तो आप कुछ बोल्डर प्रिंट्स को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप दो या तीन बोल्ड कलर्स को यूज कर सकते हैं। ये बोल्डर प्रिंट्स आपके इंटीरियर में एक डेप्थ क्रिएट करेंगे। बोल्डर प्रिंट्स के साथ में न्यूट्रल कलर्स को कॉम्बिनेशन में यूज करें। और अगर आप प्रिंट्स यूज करना चाहते हैं कुशन्स के लिए तो ध्यान रखें कि कुछ सॉलिड कलर्स को भी लें, यानी कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। ये आपके इंटीरियर को सूदिंग और पीसफुल बनाएगा। ओवर स्टाइलिंग से बचने के लिए कुशन्स में मिक्स और मैच जरूर करें और बोल्डर प्रिंट्स के साथ में पैटर्न्स को यूज करें। यानी आपको ध्यान देना है कि आपके सारे कुशन्स ना ही सिर्फ पैटर्न्स वाले होने चाहिए और ना ही सिर्फ सॉलिड कलर्स में होने चाहिए, यानी प्लेन हो। तो मिक्स और मैच करके आप अपने इंटीरियर को खूबसूरत बना सकते हैं कुशन्स के थ्रू। कुशन्स को स्टाइल करते वक्त लेयर्स का जरूर इस्तेमाल करें। आप अलग अलग तरह के टेक्सचर्स यूज कर सकते हैं जैसे सिल्क, वेलवेट, फर आदि, और ये आपके इंटीरियर को एक अलग ही तरह की एम्बियंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हैवी टेक्सचर्स यूज करना चाहते हैं तो इसके साथ में लाइटर टेक्सचर्स को भी जरूर जगा दें, क्योंकि सिर्फ हैवी टेक्सचर्स ही अच्छे नहीं लगेंगे। कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कीजिए कुशन्स को तो ये बहुत एक अलग ही तरह का लुक क्रिएट करेंगे आपके इंटीरियर में।
आप कुछ बोल्डर कलर्स भी यूज कर सकते हैं अलग अलग टेक्सचर्स को यूज करते हुए। इससे एक कोजी और इनवाइटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि आपके इंटीरियर को एनहेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। कुशन्स को स्टाइल करते वक्त थोड़ा सा क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह की डिटेल्स वाले कुशन्स को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी है, क्रोशिया वर्क है, और भी अलग तरह के कुछ काम हो सकते हैं, या वाटर पेंटिंग है। इस तरह से कुछ डिटेल्स वाले जो कुशन्स हैं उन्हें भी आप प्लेन कुशन्स के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। सॉलिड कलर्स वाले कुशन्स के साथ में आप इन डिटेल्ड कुशन कवर्स को स्टाइल करके देखें, ये आपके इंटीरियर के लुक को चेंज करने में, अपडेट करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही कुशन्स की शेप और साइज का भी ध्यान जरूर रखें। अगर आप अपने इंटीरियर में कुशन्स को स्टाइलिश तरीके से यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सेम साइज के कुशन्स ही यूज करने हैं, और इनमें भी आप साइज में भी आप काफी वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न्स और डिजाइंस में या फिर टेक्सचर्स में उतना वेरिएशन नहीं करना चाहते तो आप साइज में वेरिएशन जरूर रखें। अगर आपके सारे कुशन्स स्क्वायर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सभी को स्क्वायर ही रखना चाहिए, आप कुछ एक रेक्टेंगुलर कुशन्स भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही आप राउंड शेप के कुशन्स को भी ऐड करके देखें। तो अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हो जाएंगे और मिक्स एंड मैच करेंगे तो जो आपका इंटीरियर है उसकी एम्बियंस कुछ अलग ही हो जाएगी। तो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखें, ये आपके इंटीरियर को स्टाइलिश बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड शेप जो है उन्हें आप इजीली एक साथ यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसे हेजिटेट होने वाला कुछ नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप इन्हें मिक्स एंड मैच करके एक साथ यूज करके देखेंगे। तो सेम साइज के कुशन्स काफी फॉर्मल लगते हैं, तो अगर आपका रूम फॉर्मल है, जैसे कि फॉर्मल ड्राइंग रूम है, तो वहां पर आप इस तरह का कर सकते हैं कि सेम साइज के कुशन्स को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज मिक्स एंड मैच कीजिए, वो ज्यादा स्टाइलिश लगेगा और इनफॉर्मल एक फीलिंग लेके आएगा, कोजी फीलिंग क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। कुशन्स की प्लेसमेंट के लिए कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक रिलैक्स्ड अप्रोच की जरूरत है और आप अपना स्टाइल करना शुरू करें कुशन्स को अपने सोफा पर, बेड पर। बस ध्यान दीजिए कि बड़े कुशन्स को पीछे की तरफ रखना है और छोटे कुशन्स को आप फ्रंट में लेके आइए, और सबसे फ्रंट साइड में, एक्सट्रीम जो फ्रंट है आपका, सबसे आगे जो कुशन रहेंगे उनको आप रेक्टेंगुलर शेप में ले सकते हैं। और इस तरह से आप यहाँ पर भी लेयर्स का यूज कर सकते हैं, यानी सबसे पीछे बड़ा कुशन हो गया, उसके आगे फिर मीडियम साइज का, और सबसे आगे रेक्टेंगुलर शेप का कुशन। तो लेयर्स को यूज कीजिए, और प्लेसमेंट के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। जैसे कि अगर आप कुशन्स को एक एक्सट्रीम कॉर्नर में भी रख सकते हैं सोफे के, इससे आपके सोफा पर ज्यादा जगह बची रहेगी। और अगर आप चाहें तो कुशन्स को बीच में भी रख सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि हम दोनों साइड में भी कुशन्स रखते हैं और बीच में भी आप कुशन रख सकते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टाइल करना आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ये स्टाइल आपको चूज करना चाहिए। कुशन्स की क्वांटिटी कम्प्लीटली आपकी अप्रोच पर डिपेंड करती है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है कि आप कितने कुशन्स सोफा पर रखना चाहते हैं या बेड पर रखना चाहते हैं। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। आप बेड पर एक पिलो रख सकते हैं और साथ में सिटिंग के लिए या रीडिंग के लिए पीछे की तरफ कुशन्स भी रख सकते हैं। तो ये सब कुछ आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा। तो कुशन्स की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखें, बस ध्यान दीजिए कि ये क्वांटिटी ऑड नंबर्स में हो, इवन नंबर्स में ना हो।
अगर आप इस वीडियो पर अभी तक मेरे साथ हैं तो आपके लिए कुछ बोनस टिप्स तो बनते हैं, तो लीजिए बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स पर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ओवर स्टाइलिंग से बचें, यानी आपके कुशंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी ना हो और ना ही बिल्कुल कम हो, क्योंकि अगर कम क्वांटिटी है तो वो कुशंस आपको जो आप एम्बियंस चाहते हैं अपने इंटीरियर के लिए वो आपको नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए ओवर स्टाइलिंग से बचें। कुशंस में ध्यान दीजिए आपके एग्जिस्टिंग डेकोर के अकॉर्डिंग आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। कुशंस की ओरिएंटेशंस को चेंज करके देखें, अपने पुराने कुशंस को अलग अलग डायरेक्शंस में या फिर अलग सोफा या बेड पर रीअरेंज करके देखें। तो रीअरेंज करना एक एक्स्ट्रा टिप है, इस छोटे से बदलाव से भी आप अपने इंटीरियर में काफी अच्छे चेंजेस ला सकते हैं। इंटीरियर में कुछ शाइनिंग लेके आइए, चमक लेके आइए, तो अपोलिस्ट्री कुछ इस तरह की आप यूज कर सकते हैं जो कि शाइनिंग वाली हो, जैसे सिल्क एक्सेट्रा। ये आपके इंटीरियर को एक अलग ही वाइब्रेंसी प्रोवाइड करेगी। तो पैटर्न्स में और मटेरियल में कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखें। कुशंस में मैं आपको कहूंगी कि कंट्रास्ट इज द की। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मटेरियल्स में, टेक्सचर्स में, डिजाइन्स आदि में, सभी में आप कंट्रास्ट को जरूर ध्यान रखें। शेप में भी आप कंट्रास्ट को जरूर ध्यान रखें। ये एक बहुत ही अच्छा टिप है जो आपके बहुत काम आएगा। आप किसी भी तरह का अगर आप टेक्सचर लेना चाह रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे हैं कुशंस के लिए, तो सेम मटेरियल ना करके कुछ अलग अलग ट्राई करके देखें मटेरियल्स को। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज भी डिफरेंट डिफरेंट साइज आप मिक्स एंड मैच करें। कुशंस खरीदते वक्त ध्यान रखें कि आपकी फिलिंग फेदर टाइप की आप परचेज करें। ये फिलिंग बाकी जो फिलिंग्स होती हैं उनके मुकाबले थोड़ा महंगी होती है, लेकिन आपके कुशंस की शेप को लंबे टाइम तक बनाकर रखती हैं और कुशंस इस तरह से लंबे समय तक बिल्कुल ठीक रहते हैं, शेप में रहते हैं। अगर आप पॉलिस्टर फिलिंग परचेज करते हैं, यानी कि पॉलिस्टर वाले कुशंस यूज करते हैं, तो वो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में ही फ्लैट हो जाते हैं और उनकी शेप भी खराब हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि थोड़ा एक्सपेंसिव है ये फेदर टाइप के कुशन, लेकिन आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे टाइम तक चलेंगे और बाद में आपको सिर्फ कुशन कवर्स में ही इन्वेस्ट करना बाकी रह जाएगा। तो देखा आपने कि कितना इजीली चुटकियों में आप अपने इंटीरियर को अपडेट कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं आपके इंटीरियर की एक छोटी सी एसेसरी के थ्रू। बस ध्यान रखना है कि मिक्स एंड मैच कीजिए, कंट्रास्ट का यूज कीजिए और थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि ये एक छोटी सी एसेसरी भी आपके लिए एक बहुत ही काम की चीज हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कि किस तरह से आज के टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।